हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ आंवले की हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम खाने के बाद सौंफ खाना पसंद करते हैं, अलसी या पान खाना पसंद करते हैं, तो आज हम हेल्दी मुखवास बनाएंगे और साथ ही इंस्टेंट अचार बनाएंगे जो बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम आंवले का इंस्टेंट अचार बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 7 मीडियम साइज़ के आंवले लिए हैं। सभी आंवले को हम बारीक काट लेंगे। इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप इसे लंबे भी रख सकते हैं, आप जैसे चाहें उस साइज़ में इसे काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से बारीक पीस कर लिए हैं और अब हम इसमें केरी के अचार का मसाला डालेंगे। तो ये मैंने 1 कप के करीब मसाला लिया है। अगर आपको आंवले का अचार पसंद है तो आप इस तरह से इंस्टेंट भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो आप रेडीमेड मसाला भी मार्केट से ला सकते हैं और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। आंवले खट्टे होते हैं इसलिए हम 1 चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये हो गया है तैयार झटपट बनने वाला आंवले का अचार। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे आंवला पाचक। इसके लिए मैंने 1/2 किलो आंवले लिए हैं, लेकिन कुछ आंवले मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, तो आप इसे इस तरीके से लंबे लंबे काट लें। इस तरह से मैंने सभी आंवले काट लिए हैं। अब हम इसका मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने जार में 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा और इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। आंवले में पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, थोड़ा सा दरदरा रहेगा, और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे हम ढक देंगे और दूसरे दिन इसे फिर चेक करेंगे। ये देखिए, आज दूसरा दिन है और आंवले बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे, इससे आंवले का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे धूप में हम 2 से 3 दिन तक सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए, सूखने के बाद आंवले इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट बनाएंगे आंवला चुकंदर का मुखवास। उसके लिए मैंने 1 कप किसा हुआ आंवला लिया है और 1/2 कप चुकंदर। चुकंदर को आंवले में मिक्स कर देंगे। इसमें 2 चम्मच काला नमक डालेंगे, 4 चम्मच शक्कर का पूरा डालेंगे। आप इसमें शक्कर नहीं डालें क्योंकि शक्कर पानी छोड़ देती है, तो इससे आपके आंवले को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी रेसिपी मैंने आपको बहुत ही इजी बताई है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं क्योंकि हमने शक्कर का बूरा डाला है, और इसे हम धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा लेंगे। ये देखिए, आज दूसरा दिन है और ये हल्की सी ड्राई हो गई है, तो आप इसे एक बार ऊपर नीचे कर दें ताकि ये जल्दी से सूख जाए। सूखने के बाद मुखवास का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा।